12 साल उरे पढ़ा लिखा, इन्हीं के कारण आज जो भी हूँ सब कुछ इन्हीं के कारण हूँ। तो इनके लिए और आपके लिए दो लाइन कहूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया उनका वंदन करता हूँ और सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुल खिले गुलशन खिले के गुल खिले गुलशन खिले और खिल उठे गुलजार, आप लोगों को कुछ सुनाऊं उससे पहले मेरा स्वीकार कीजिए, प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। तो बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग आया है जिप्सी, आपने सुना होगा सभी ने, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उसी पे कुछ लिखने का प्रयास किया है मैंने और मेरे गुरुजन ने, तो आपको शायद अच्छा लगेगा। उसी जिप्सी सॉन्ग के ऊपर ये सॉन्ग है आजादी के ऊपर। मेरा भारत देश महान जिसका ध्वज तिरंगा, मेरा भारत देश महान जिसका ध्वज तिरंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा, मेरा भारत देश महान जिसका ध्वज तिरंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा। ऋषि मुनियों ने यहाँ उपदेश दिए थे, ऋषि मुनियों के यज्ञ से यहाँ की भूमि शुद्ध है, शांति का उपदेश देते जन्म यहाँ बुद्ध है, इस भूमि पे आकर कोई होता भला चंगा, मेरा भारत देश महान जिसका ध्वज तिरंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा। राफेल मृग उड़ान भरे मिसाइल ब्रह्मोस है, इसकी गर्जना सुन के शत्रु के उड़ते होश है, घर में घुसकर मारे, घर में घुसकर मारे जो करता है दंगा, मेरा भारत देश महान जिसका ध्वज तिरंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा, मेरा भारत देश महान जिसका ध्वज तिरंगा। अंतिम अंतर है कि श्री राम कृष्ण ने पावन पवित्र धरा रही है, उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है, श्री राम कृष्ण ने यहाँ अवतार लिया था, श्री राम कृष्ण ने यहाँ अवतार लिया था, बड़े बड़े असुरों का सहार किया था, बड़े बड़े असुरों का सहार किया था, आनंद डुबकी लगा ले संजय डुबकी लगा ले, यहाँ बहती है गंगा, मेरा भारत देश महान जिसका ध्वज तिरंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा, उसका ध्वज तिरंगा, उसकी खैर नहीं है जो लेता है पंगा। और आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सभी शक्तियां आपके भीतर, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, पर आप अपनी आदतें बदले एंड श्योरली योर हैबिट विल बी चेंज योर फ्यूचर, और निश्चित रूप से आपके आदतें ही आपका भविष्य निर्माण कर देंगी। अंतिम में हमारे देश का युवा कैसा होना चाहिए, दो पंक्तियों के साथ वाणी को विराम दूंगा, कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता आज मैं मांगता तुमसे। ये ध्यान दो भाई, आपका ध्यान कहीं और है कि देश का युवा कैसा हो, कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से मधुर मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता आज मैं मांगता तुमसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता आज मैं मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ये जो कहना था वो कह चुका, वो नहीं कुछ कहना, ये वार्तालाप खत्म कर चुका, वो नहीं कुछ कहना, और नमस्कार पुनः करता हूँ, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, जय हिंद जय।